सो इस तरह का VFX आपने मार्वल जैसे मूवीज़ में तो देखा ही होगा। और आज के वीडियो में हम इसी तरह का एक VFX सीन अपने मोबाइल फोन से बनाने वाले हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो प्रीव्यू देख रहे हैं, इस वीडियो को हम अपने मोबाइल फोन से एडिट करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से एक वीडियो को शूट कर लेना है। मेक श्योर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए, आपका कैमरा थोड़ा भी सेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका वीडियो परफेक्टली एडिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपको कैपकट वाले एप्लीकेशन पे आ जाना है। एंड वीडियो इंपोर्ट होने के बाद आपको तीन जगह पे कट लगा लेना है। पहला वो कट आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आप लेफ्ट साइड में पंच कर रहे हैं, एंड सेकेंड आप जब राइट साइड में पंच कर रहे हैं वहाँ का भी एक कट लगा लेना है। ठीक है, इन दोनों वीडियो को अलग कर लेना है। एंड पहला जो आप लेफ्ट साइड में पंच कर रहे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, उस वाले क्लिप को, एंड ओवरले पे क्लिक करते ही ये वीडियो लेयर पे आ जाएगा। एंड इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में लेकर आना है आपको। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा कटआउट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड रिमूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया ये आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आपका एक डबल रोल वाला सीन क्रिएट कर देगा। एंड इसके बाद आप अपने सीन को मैच करा लीजिएगा। अब इतना करने के बाद आपको ड्रैग करना है। एंड यहाँ पे आपको एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके सर्कल वाला मास्क सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद एरो पे क्लिक करके इसको छोटा कर लेना है। एंड छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और वहाँ पे एक की फ्रेम देना है। की फ्रेम ऐसे देना है कि स्टार्टिंग में छोटा रहेगा, एंड जैसे जैसे अपना वीडियो टाइमलाइन का आगे बढ़ेगा एंड वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना है। हाँ, ध्यान रहे आपको फेदर भी थोड़ा थोड़ा दे देना है। ठीक है, पहले आपको सर्कल पे सर्कल को सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आपको उसको की फ्रेम देना है, पहले छोटा रहेगा फिर बड़ा होगा, फिर लास्ट में जैसे आप पंच करने जा रहे हैं उस टाइम पे सर्कल को पूरा ही बड़ा कर देना है। ठीक है, एंड बीच में आके आपको देख लेना है कि फेदर अच्छे से लाइक है कि नहीं। तो अभी आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे आप अपीयर होके पंच करके फिर गायब हो जाएंगे, तो वो चीज़ें हमको बनाना है। चलिए ठीक है, अब लास्ट वाले में भी आपको वही चीज़ करना है, जाना है की फ्रेम देना है और सर्कल को इस बार छोटा कर लेना है। एंड इस बार आपको सर्कल को छोटा कर लेना है एंड की फ्रेम को हल्का हल्का देकर सर्कल को छोटा करके फेदर को हल्का सा बढ़ा देना है। अब लास्ट टाइम में एकदम लास्ट वाले फ्रेम में आपको एकदम से गायब कर देना है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, आप जो राइट साइड में पंच कर रहे हैं उस वाले लेयर को भी सेलेक्ट करना है और ओवरले पे क्लिक करते ही ये लेयर पे आ जाएगा। एंड इसको ट्रैक करके अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सामने लेकर आना है जहाँ से आप राइट साइड में पंच कर रहे हो। ठीक है, अभी लेयर को सेलेक्ट करना है, कटआउट पे जाना है, बैकग्राउंड रिमूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसको भी सीन मैच कर लेना है। मैच कराने के बाद जाना है आपको मास्क पे, सर्कल पे क्लिक करके इसको सेम उसी तरह से भी की फ्रेम दे देना है। ठीक है, पहले क्या करना है, एकदम जीरो कर देना है। ठीक है, फेदर वगैरह सब जीरो कर देना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके वहाँ पे फेदर और इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देना है। अब जैसे आप पंच करें उस टाइम पे पूरा इसको बढ़ा देना है। एंड इसके बाद लास्ट वाले जगह पे लाकर सर्कल को छोटा कर देना है। ठीक है, एंड फेदर को भी थोड़ा बढ़ा लेना है एंड एक फ्रेम आगे जाकर इसको फुली डिसअपेयर कर देना है। ठीक है, इसको पूरी तरह से सर्कल को छोटा करके गायब कर देना है। एंड इसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, तब आगे आपका एडिटिंग हो पाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या करना है, आपको इन सब इफेक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा इफेक्ट पड़ा है या डाउनलोड आपने कर लिया है तो आप अपने वीडियो में अच्छे से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो इफेक्ट है मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इसको इंपोर्ट करके आपको आना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आने के बाद फिल्टर पे क्लिक करते ही इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसके ओपेसिटी से आपको खेलना है। पहले फ्रेम में आपको ओपेसिटी एकदम जीरो कर देना है। अब इन थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही इसके ओपेसिटी को 100 कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, ध्यान रहे आपको अच्छे से सीन को मैच कर लेना है की फ्रेम के यूज़ से। ठीक है, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो जो इफेक्ट है हमारा वो अपीयर भी होगा और डिसअपीयर होता भी वह भी दिखेगा, कुछ इस तरह से डिसअपीयर होगा। हाँ, इसको भी की फ्रेम अच्छे से हमको दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसी तरह से राइट साइड में जब वहाँ से आप अपीयर हो रहे हैं और डिसअपीयर हो रहे हैं वहाँ पे भी सेम इसी इफेक्ट को आपको उसी तरह से लगा देना है। ठीक है, की फ्रेम के यूज़ से आपको अपीयर होते हुए दिखाना है और की फ्रेम के यूज़ से उसी को कॉपी करके लगा देना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।